संडे, तो अभी बज रहे हैं दोपहर का 3 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से बैठी थी क्योंकि संडे को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो सोचते सोचते मेरे माइंड में आया कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से मैंने सोच रही थी कि ब्लॉग बनाने के लिए, बट कुकिंग में थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी। फिर आज एंजल को हेयर वॉश करना था, तो जब मैं उसका हेयर वॉश करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से उसको थोड़ा सा खेलते खेलते उसका हेयर वॉश की, फिर वो अभी सो रही है और हस्बैंड भी उसके साथ ही सो रहे हैं। तो बाप बेटी दोनों सो रहे हैं और मैं यहाँ पर ही बैठ के या इस तरह से पौधों को देख रही थी, क्योंकि कुछ जो पौधों है उसको कटिंग करना है क्योंकि वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से जो रोजेस की जो प्लांट है ना, उसको थोड़ा सा अगर मैं कटिंग नहीं करती हूँ, वो थोड़ा सा कली नहीं आता है उसमें, तो इसलिए मैं अभी सोच रही थी कि ये उसको कटिंग कर दूँ। और फिर मुझे माइंड में आया कि आज चलो कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत मन है और मैं इतना ज़्यादा मीन्स डेजर्ट के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हूँ, मैं आपको बोल नहीं सकती, क्योंकि जो भी पार्टी वगैरह होता है मैं डेजर्ट के लिए पूरा जंप कर जाती हूँ और मेन कोर्स को पूरा छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैं अभी सोच रही थी, और जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ तो मेरा टाइम पूरा मैं लगाती हूँ मेरे कुकिंग में, नहीं तो कुछ डीआईवाई वाला चीज़ करने में, जैसे कि क्राफ्टिंग वगैरह हुआ, इस तरह से छोटे मोटे चीज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि कुछ मीठा का आइटम बना लेते हैं। बहुत दिनों से मैंने कुछ भी मीठा का आइटम नहीं बनाया, सिर्फ खीर वगैरह बनाती हूँ और उसके साथ कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 1.5 घंटा 2 घंटा है, क्योंकि अभी आंचल तो अभी अभी सोई है, तो उसकी वजह से अभी वो नहीं उठेगी। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं कुकिंग में मेरा टाइम जो है इन्वेस्ट करूँगी, और खाना पीना सब कुछ मेरा हो गई है। और आज मैंने लंच में बनाया था कढ़ी पकौड़े, उसके साथ बैंगन का मसाला बनाया था, चावल बनाया था। तो बट ये सारे रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है, तो इसकी वजह से मैंने आपको मीन्स नहीं दिखाया है, क्योंकि रोज़ वो खाना दिखाने अच्छा नहीं लगता है और वो उसका रेसिपी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि लंच के बाद ही ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज संडे है, बट संडे को कुछ इस तरह से प्लानिंग अभी तक तो नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स अगर मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मीठे के साथ ही रिलैक्स करूँगी। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि आज जो मैंने डेजर्ट का आइटम सोचा है, ये उड़ीसा की बहुत ही एक फेमस एक डेजर्ट है, उसके साथ इसको प्रिपेयर करने में लग जाता है 1 आवर। तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा प्रिपेयर मीन्स उसको बनाने प्रिपेयर करने में तो लग जाता है 10 से 15 मिनट्स लग जाता है, फिर उसको बनाने के जो टाइम होता है, बेकिंग प्रोसेस होता है, वो 1 आवर लगता है। तो इसके लिए मैं अभी जाऊंगी, जल्दी से प्रिपेयर करूंगी, सारा चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, बस उसको डब्बे में निकाल कर उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। तो चलिए काम पे लग जाते हैं जल्दी से, नहीं तो मेरा जो मूड है थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो भी काम अगर मेरे माइंड पे आ जाता है, जब तक उस काम को मैं फिनिक्स नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये है उड़ीसा की बहुत ही एक फेमस डेजर्ट जो कि है छेना पोड़ो। तो छेना पोड़ो के लिए सबसे पहले आपको चाहिए छेना, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए जो कि दूध को फटने के बाद में, आपको थोड़ा सा बात करती हूँ। तो दूध जब फट जाता है तो उस छेना को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैं आज वो बताऊंगी। और ये जो डेजर्ट है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर बनाना। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मैं आज बनाऊंगी ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, और बट बहुत बार मैंने खा चुकी हूँ, जब मैं होम टाउन जाती हूँ तो पूरा छेना पोड़ो के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती हूँ। तो ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं लगता है और साथ ही साथ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये जो डेजर्ट है बन जाता है, बट थोड़ा सा जो प्रोसेस टाइमिंग है, प्रिपरेशन टाइम है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये बेकिंग प्रोसेस में होता है और बेकिंग प्रोसेस तो फिर 45 मिनट्स से 1 आवर लग ही जाता है। तो एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था, कल रात को मेरा जो दूध है, मैं लगभग 1 लीटर का दूध था, बट वो दूध फट गया था। तो उसकी वजह से दूध जब फट जाता है ना, मैं उस छेना को थोड़ा सा छान कर कलेक्ट कर लेती हूँ, और उसी छेना से कोई भी कालाकांत हुआ, नहीं तो पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बट मैंने सोचा कि कल थोड़ा सा अलग कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो रोज में खा
खाती हूँ ना, पनीर से बना के फिर भुर्जी वगैरह ये सब खा लेती हूँ। बट ये जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और सच में यहाँ पर बेंगलोर में भी मिलता है, उड़िया के कुछ होटल्स वगैरह है यहाँ पर भी मिलता है, बट इतना ज़्यादा महंगा मैं आपको बहुत बता नहीं सकती, क्योंकि हमारे होम टाउन में किलो आई थिंक 250 या 300 कुछ है, और यहाँ पर जो है 480 या 500 के आसपास है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये प्रोसेस। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरे पास है छेना, तो मैंने रात को ही छान कर फ्रीज में रख लिया था, क्योंकि रात में मुझे पास टाइम नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने ये छेना को ले लिया है। और छेना को आप जब भी छानेंगे तो पूरा ड्राई नहीं, ड्राई मत कीजिए, क्योंकि इसमें पानी लगता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर गीला हो मन छेना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी छेना को पूरा ड्राई नहीं किया है, तो ये कटोरी में मैं अभी निकाल देती हूँ। तो जो घर में बनाया हुआ छेना होता है उसी छेना से बहुत ही अच्छा ये बनता है, पनीर से उतना अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि पनीर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जितना आपका छेना जो है सॉफ्ट होता है तो इसी डेजर्ट के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये जो छेना है लगभग इस तरह से है, इतना सारा है मेरे पास, और ये 1 लीटर दूध का छेना है। तो अभी इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी, तो चीनी आप स्वाद के अनुसार ले सकते हो। तो मैं करीबन इसमें ऐड करूंगी 1 कप चीनी, तो थोड़ा सा मेजर कर लेती हूँ। तो एक कटोरी में यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, डेजर्ट है तो थोड़ा सा तो मीठा बनता है। उसके साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, इलायची पाउडर आपको बहुत ही ज्यादा एक अच्छा ऐसा एक फ्लेवर देगा। उसके साथ मैं ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड करूंगी रवा, रावा डालने से जो बॉन्डिंग है छेना पोड़ो का जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छा आता है। तो रावा यानी सूजी मैं इसमें 4 टेबलस्पून डाल दूंगी। अभी ये हो गया है, अभी मैं क्या करूंगी, और एक चीज इसमें डालनी है, वो है घी। लगभग आप 1 टेबलस्पून घी इसमें डाल दीजिए बस, अच्छे से, सिर्फ अच्छे से एक फ्लेवर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी छेना में बहुत ज़्यादा घी रहता है, तो थोड़ा सा घी इसमें डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी मैं हाथों में पूरा इस तरह से जो छेना को पूरा क्रम्बल करके मिक्स करूंगी। ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, नहीं तो आपको पास अगर छेना का जो पानी है वो है उसको भी आप डाल सकते हो। ज्यादा नहीं डालना है, करीबन 2 टेबलस्पून डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ, और इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा थीक नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा ही बेकिंग पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी, बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है। अभी 5 से 10 मिनट्स हो गई है, तो मैं अभी इसको ढक के अच्छे से एक बार हाथों में मिक्स कर लूंगी। उसके साथ मैं ले रही हूँ इस तरह से एक कंटेनर, क्योंकि मेरे पास केक टिन नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके अंदर ही कर लेते हैं, और इसमें बेकिंग आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये एल्युमिनियम का है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा घी ग्रीस कर लूंगी। Thank you.
इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हाँ अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा आटा इसमें डस्ट कर लूंगी। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हो। ये हो गया अच्छे से ग्रीस। अब मैं हाथों में अच्छे से मिक्स करके इसको डाल दूंगी। इसका टेक्सचर देखिए, इतना ही होना चाहिए। अभी इसको चाहिए 45 मिनट्स टू 1 आवर, इस तरह से लो फ्लेम में आपको बेक करना है। तो यहाँ पर जो है मेरा चना पकौड़ा अभी बन गया है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि और एक स्वीट डिश बनाऊँ जो कि साउथ का बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, वो है स्वीट अपम। बट तो इसको भी मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ईस्ट और थोड़ा सा साउथ को मिक्स किया जाए। तो ईस्ट का तो डिश यहाँ पर बन रहा है, अभी मैं स्वीट अपम बनाऊंगी जो कि साउथ का बहुत ही एक अच्छा स्वीट डिश है और बहुत ही झटपट बन जाता है। बट देखते हैं, ये जो स्वीट अपम है आपकी पैन में बनता है, अभी मेरे पास ऑलरेडी है, पीछे बालकनी का व्यू आपको दिख रहा है, तो आपकी पैन में बनता है। बट देखते हैं कितना टाइम मुझे लगता है, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि फास्ट पहली बार है, तो अगर खराब हो गया तो पूरा जाएगा। तो स्वीट अपम के लिए पहले चाहिए गुड़, और यानी जागरी। तो जागरी को मैं मेल्ट कर लूंगी और मैं यूज करूंगी 1 कप जागरी, मेरे पास इतना बड़ा बड़ा जागरी है, इसको मुझे अभी कूट के ब्रेक करना पड़ेगा। तो स्वीट अपम के लिए पहला मैं ले रही हूँ राइस फ्लोर, इसके साथ मैं लूंगी 1/2 कप स्वीट फ्लोर।
पूरी तरह से रेडी होकर मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मॉल, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। और जो मैंने आपको दो स्वीडी सॉरी जो मैंने आपको दो स्वीट डिश दिखाया वो बहुत ही अच्छा बना था, बट जो छेना पोड़ो का जो शेप है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं नीचे जो है बटर पेपर नहीं डाली थी, तो इसकी वजह से बीच में थोड़ा सा टूट गई वो निकलते टाइम। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ये रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो विदाउट बटर पेपर ये रेसिपी को मत बनाइए, क्योंकि छेना जो होता है तो ये जो छेना होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसकी वजह से बीच में टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। और एक जो स्वीट अपम में बनाई थी उसी रेसिपी में एक मुझे मीन्स स्किप करना था, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो आप बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा हार्डनेस चाहिए थी, बट इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगले बार जब बनाऊँ तो बेकिंग सोडा को थोड़ा सा स्किप कर दूं। और आपको अगर थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। तो अंजल भी रेडी हो गई है, और आजकल जो है मैं इतना सा छोटा सा बैग लेके घूम रही हूँ, क्योंकि अंजल अभी मैंने उसको खिला दिया है और सिर्फ दूध का बोतल ही लेके जा रही हूँ। तो मौसम भी बहुत ही अच्छा होके रखा है, अभी जो टाइम हो रहा है वो है 5:30, और मेरा ये फ्रंट बाल देखिए किस तरह से हुआ है, मुझे इस तरह से बहुत पसंद है। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, शॉपिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, और टायर्डनेस मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, क्योंकि कल हम लोग यहाँ पर जो सब्ज़ी मार्केट लगता है सब्ज़ी लेने के लिए नहीं गए थे, तो इसकी वजह से सब्ज़ी भी लाना पड़ा, उसके साथ ग्रोसरी कुछ ख़त्म हो गया था, मंथली ग्रोसरी जो भी चीज़ें हैं वो सब लिया। बेबी का बहुत सारा इस बार कपड़े आए हैं, उसको मैंने अभी बॉयल करके क्या मैं बोल रही हूँ, दूध को अभी बॉईल करने के लिए रखा है गैस पे, और हस्बैंड गए हैं नीचे सामान लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया आज, और इधर उधर होने में ना बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही है, और साथ ही साथ एंजल का बहुत सारा शॉपिंग हो गया आज, ड्रेस वगैरह ये सब हमने ले लिया, क्योंकि बहुत 50% ऑफ में चल रहा था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि अभी ठंडी भी चल रही है तो थोड़ा सा मोटा मोटा ड्रेस हम लोगों ने लेके आए हैं उसके लिए, और दो नाइट सूट्स थे वो बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा कलर आज मिल रहा था, तो थोड़ा बहुत हम लेके आए हैं। उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया है, किचन का एक पैन लिया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और सब्जी वगैरह ये सब। अंजल घूम रही है अभी, उसको भी भूख लग रही है अभी, तो फ्रीज से आटा निकालूँ ना तो थोड़ा सा ठंड लगता है, तो इसकी वजह से 5 to 10 minutes के लिए थोड़ा सा बाहर ही निकाल के रख देती हूँ, तो उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। और सुबह ही मैंने करी वगैरह सब कुछ बना लिया था, तो अभी कुछ भी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी एंजल के लिए बनाऊँगी, और बाकी सब है, चावल है, साथ ही साथ कढ़ी में बनाई थी पकोड़े वाला कढ़ी वो है, और बैंगन का मसाला बनाया था वो भी है, तो सब कुछ अभी चल जाएगा। और चिकन तो लेके आए हैं हस्बैंड अभी, बट पता नहीं अब बनेगा या परसों बनेगा, क्योंकि कल मंडे है, तो मंडे को हम लोग नॉनवेज जो है नहीं खाते हैं, तो चिकन अगर आज नहीं बनेगा तो फिर उसको क्लीन करके फिर फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, तो देखते हैं। और एक क्यूट सा चीज़ मैंने लेके आई हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और उस चीज़ के लिए मैंने हस्बैंड से गाली भी दो सुनी है, बट जिद्दी करके मैं उसको लेके आया है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास ये नहीं है, हस्बैंड आने के बाद में दिखाती हूँ आपको सारा चीज़।
तो हस्बैंड जो है यहाँ पर चिकन बना रहे हैं और ये मेरी सारी सामान, तो बहुत सारे सामान जो है मैंने अंदर ही डाल दिया है क्योंकि मुझे याद नहीं थी कि मैं आपको दिखाना चाहिए, तो इसलिए बहुत कुछ सामान जो है अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर मखाने मैंने लेके आई हूँ और ये एक एक्स्ट्रा एपीपेन मैंने लेके आई हूँ क्योंकि सासू माँ को चाहिए होता है था, तो मुझे 99 में ये मिल रहा था तो मैंने सोचा कि एक रख लेते हैं, जब मैं होम टाउन जाऊँगी तो उसको लेके जाऊँगी। और ये पेन भी 99 का मिल रहा था तो मैंने एक लिया है। और ये कुछ कैंडी वगैरह और ये स्क्रॉच ब्राइट, इस तरह से सब्जी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है। और क्यूट सा चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो है ये, एक्चुअली ये है क्यूट सा चीज़, बट इसको मैंने जिद्दी करके लेके आई हूँ क्योंकि ये डब्बे देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो स्क्वायर शेप में है और ये प्रिंस वेयर का है, इसमें दो जो है केक है तो ईच 49 रुपीज़ का मिल रहा था। और ये है एंजल का सारा कपड़ा, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा डिटेल्स दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है। सो खाना पीना सब कुछ हो गया है और हस्बैंड ने आज चिकन बनाए थे, बहुत टेस्टी था, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि उसी टाइम पे मैं एंजल को खिला रही थी तो इसकी वजह से वीडियो नहीं कर पाई। और सारे जो ड्रेस है मैंने आपको दिखा दिया है तो अच्छे से मैं कल दिखाऊं क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है और अभी रात का बज रही है 11:30। बेड का हालत देखिए किस तरह से हुआ है, अभी ये भी अभी तक नहीं सोई है तो उसको लेकर मैं अभी सो जाऊंगी और कुछ काम करने का मन ही नहीं है। तो और सारा जो चीज़ें हैं हम लोगों ने ऑलरेडी सेट करके रख लिया है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाई बट अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि हस्बैंड और मेरे भाई ने मिलकर सारा चीज़ रख दिए थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय स्टे हैप्पी, बाय बाय स्टे हैप्पी।